राम रहीम फिर आया जेल से बाहर। राम रहीम को 21 दिन के लिए मिली परलोक। यूपी के बरनावा आश्रम में होगा ठिकाना। विधानसभा चुनाव से पहले मिली परलोक। वीडियो जारी कर क्या कुछ बोला राम रहीम। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले साध्वियों के यौन शोषण और कत्ल केस में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की परलोक मंजूर हो गई है। मंगलवार सुबह राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया है और वह उत्तर प्रदेश के बागपत में बरनावा आश्रम भी पहुंच गया है। दो दिन पहले ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा था कि वह राम रहीम को सोच समझकर ही फरलो या पैरोल दे। इसके बाद सरकार ने राम रहीम को इस शर्त पर फरलो दी है कि वो सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में नहीं जाएगा। वह पूरे 21 दिन के लिए बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहेगा। बरनावा आश्रम पहुंचकर राम रहीम ने 23 सेकंड का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें कहा है कि प्यारी साध संगत जी, आपके दर्शनों के लिए फिर से हाजिर हुए हैं। आप अपने अपने घरों में रहना है, किसी ने यहाँ नहीं आना। जैसे ही सेवादार जिम्मेदार आपको बताएंगे, उसी हिसाब से सेवा करनी है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। प्यारी साध संगत जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके दर्शनों के लिए फिर से हाजिर हुए हैं और आप सबको मालिक बहुत बहुत खुशियां दे, आशीर्वाद कहते हैं। आप अपने अपने घरों में रहना है, किसी ने यहाँ पे नहीं आना। जैसे सेवादार भाई आपको बताएंगे, सेवादार जिम्मेवार आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने सेवा करनी है। मालिक आपको बहुत बहुत खुशियां दे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपको बता दें, इससे पहले 10 अगस्त को हाईकोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें राम रहीम को बार बार पैरोल या फरलो देने पर सवाल उठाए गए थे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।